अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइज अभी हम मौजूद हैं रोमा जो कि कैपिटल सिटी इटली की, और आज हमारा प्लान है कि रोमा सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। और इसमें जो टॉप अट्रैक्शन है, कोशिश करूंगा 3-4 अट्रैक्शन जो मोस्ट फेमस हो वो मैं आप लोग को दिखा दूँ, उसका आर्किटेक्चर, उसका स्ट्रक्चर, उसके हवाले से, और थोड़ी सी सिटी की वाइब मैं आपको दिखा दूँ। और ये चूँकि इटली का कैपिटल सिटी है तो उम्मीद है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब सलाम के रेडी फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो अभी हम जा रहे हैं कोलोसियम, पहले देखते हैं कोलोसियम जो यहाँ की टॉप अट्रैक्शन है, तो उसके बाद फिर और जो सराउंडिंग अट्रैक्शन है वो भी आपको दिखाते हैं। तो स्टे ट्यून और एंजॉय द व्लॉग। गाइस प्लान था कि यहाँ पे पहले कोलोसियम जाए, पर यहाँ उससे पहले एक प्लेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी निकलें तो पहले वो देख लेते हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो आप देख लें। ये जो पीछे का प्लेस, इसका बैक कैमरा ऑन करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस अभी हम जा रहे हैं कोलोसियम, जो सामने आप देख सकते हैं ये बड़ी हिस्टोरिकल लैंडमार्क है रोमा में। और दूसरा, इससे पहले हम गए थे एक तर ये पियांसा, एक वहाँ भी वो भी हिस्टोरिकल प्लेस है, कुछ वर्ल्ड वॉर टू वहाँ पे स्टोचेस भी लगे थे। और साथ में हम अभी जब हम आ रहे थे रास्ते में, ये फोरम जो वो ट्रेडिशनल इनके आर्किटेक्चर के हवाले से वो चीज़ें रखी हुई थी, तो वो भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं अगर कोई चाहता है कि वो इस तरह की चीज़ें, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या आर्कियोलॉजी से ताल्लुक़ रखता हो। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है, ये जो लैंडमार्क है, ये दिखाएंगे करीब से। हम भी थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं, इसकी सराउंडिंग देखते हैं, और आपको भी कुछ मुख्तलिफ एंगल से इनके वो दिखाते हैं शॉट्स। बाकी मौसम बहुत गर्म है अभी, ऑलमोस्ट आप कह सकते 30 डिग्री सेंटीग्रेड है इटली में, और ये महीना चल रहा है मई का, अभी बस में ख़त्म होने वाला है, जून स्टार्ट होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं। बाकी बस अभी चलते हैं करीबी इसके, देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है। और टूरिस्ट तो आप देख रहे हैं कितनी इम्पोर्टेंट जगह है, इस वजह से तो यहाँ पे टूरिस्ट हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ पे कुछ खाते हैं, तो अभी ये जो कोलोसियम के सामने कुछ रेस्टोरेंट है, तो ये जो कोलोसियम था थोड़ी सी वॉकिंग हमने यहाँ पे की, अभी कुछ खाते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह आपको मिलेंगे, अभी चलते हैं कुछ पेट पूजा भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या खाना है? ये हम आ गए रेस्टोरेंट, क्या इसमें रोम में और रोम का पिज्जा ना खाए पर बस डॉक्टर साहब आपने कह दिया ना, बीच में कुछ और भी ऐड कर लेंगे लेकिन पिज्जा तो लाजमी होना चाहिए। चलो ठीक है, डॉक्टर साहब आपने कह दिया कि पिज्जा खाते तो हम अभी खाते हैं मार्गरीटा, ठीक रहेगा, सही है, तो रोम में है तो बस पिज्जा ही है, सही। डॉक्टर साहब मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। पेट पूजा हो गई है तो अभी जा रहे हैं वापस, यहाँ पे एक पेन कैंप एक प्लेस है, वो भी जगह आप लोगों को दिखाना है और आप लोगों के साथ उसकी भी थोड़ी सी लाइक झलकियाँ दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो प्लेस है ये भी बड़ी लाइक टूरिस्ट में काफ़ी मशहूर प्लेस है, और ये जो आर्किटेक्चर स्पेशली इसके इसको देखने के लिए लोग आते हैं। आप देख लीजिए आर्किटेक्चर कितनी कमाल की है, और इसकी भी अपनी अपनी हिस्ट्री है, और बाहर ये लोगों का रश देखे, हजूम देखे इसको देखने के लिए, ये सारा टूरिस्ट। अगर मैं अंदर जूम करके दिखाऊँ, अंदर भी लोग हैं, और अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, वो यहाँ पर लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन खड़ी है। तो गाइस जो इंटरेस्टेड है अंदर जा भी सकता है, तो बस मेरा ये था कि मैं आप लोगों को ये आर्किटेक्चर दिखा दूं, और ये जगह भी वर्थ विजिट है, तो ये भी एक आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप रोम का विजिट करते हैं। तो ये देखें, और ये है हमारे डॉक्टर साहब, जो कि बैग इसने छोड़ा है मेरा और तवज्जो भी नहीं दे रहा है, और अभी बिजी है अपने फोटोशूट में, फोटोज़ में, और लोगों के साथ डिस्कशन हो रही है रिसर्च पेपर के हवाले से और हम जा रहे हैं ट्रिप पे, और डॉक्टर साहब डिस्कशन कर रहे हैं रिसर्च पेपर पे, और डॉक्टर साहब को माशाल्लाह मुबारक हो, डॉक्टर आपको एक ग्रांट भी मिला है, और वो भी 30,000 ज़लोते यूरो में कितना होता है वो पर बाद में। गाइस ये जो आप देख सकते हैं रोम के हवाले से इंफॉर्मेशन और तस्वीरें लगी हुई, इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी जो स्टैचू और हिस्टोरिकल थिंग्स मैंने किसी और सिटी में नहीं देखी जितना यहाँ पे ज़्यादा लोग वो कर रहे हैं, इसके लाइक जगह जगह पे वो मिलेंगे हिस्ट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन और इनकी जो फेमस प्लेसेस हैं।
गाइस ये जो था लास्ट ट्राइवियर रिवर, यहाँ पे फाउंटेन वो होता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने रश देखा, काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहते हैं, तो ये भी फेमस प्लेस है और इसके सराउंडिंग स्ट्रीट वगैरह है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी आइसक्रीम ट्राई करते हैं क्योंकि रोम में फेमस है आइसक्रीम, तो हम देखते हैं आइसक्रीम यहाँ पे आ गया है। यस, तो आइसक्रीम वेरी फेमस इन रोम। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि ये आइसक्रीम कैसा है और आप लोगों को भी दिखा दूंगा। आई होप यू विल आल्सो फील इट। तो हम अभी ट्राई करते हैं। तो गाइस ये था हमारा दिन रोम में, और रोम में लाइक तकरीबन हमने 3-4 प्लेसेस आप कह सकते हैं एक्सप्लोर की आज के दिन के हवाले से। तो गाइस ये था हमारा कुछ टाइम रोम में, और रोम में हमने तकरीबन 3-4 प्लेसेस एक्सप्लोर की जो टॉप फेमस प्लेसेस थी, जिसमें हमने कोलोसियम जो कि बहुत ही तारीखी हैसियत रखता है, उसके साथ जो फोरम वाला इलाका है थोड़ी सी उसकी भी सैर करवाई आप लोगों की, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो कुछ तरीके लैंडमार्क है वो भी दिखाया, और साथ में जो वो है फाउंटेन है वो भी आप लोगों को दिखाया इवनिंग के टाइम पे। तो अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि शाम का टाइम होने वाला है। ये था आज का दिन रोम के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को ये भी लागा अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को ज़िंदगी में मौका मिले ट्रैवलिंग का तो ट्रैवलिंग जारी रखें और दुनिया को एक्सप्लोर करें। दुनिया काफ़ी बड़ी है और उम्मीद है आप लोग इंजॉय करेंगे। तो चलो गाइस मैं यहाँ पे ये व्लॉग एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए काशिफ की तरफ से अल्लाह हाफिज़।